हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जी टेक पॉली। दोस्तों, हम आरसीसी की स्टडी कर रहे हैं और लास्ट क्लास में हमने आरसीसी के सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के डिज़ाइन के स्टेप कवर किए थे। और इस क्लास में दोस्तों हम करने वाले हैं डिज़ाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ये पार्ट टू है, इसका पार्ट वन ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं वीडियो नंबर 10 में। मतलब आरसीसी की अब तक हम 10 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं और ये है 11वीं वीडियो। तो अगर आपने अभी तक पुरानी वीडियोज को नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है आरसीसी के नाम से, आप जाकर के उनको देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम करने वाले हैं सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के डिज़ाइन के क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, अब आपको बहुत ध्यान से करना है क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके एग्जाम में पूरे आधे घंटे का टाइम मिलेगा आपको, ठीक है। तो अब इसमें देखिए क्या क्या दिया है आपको। यहाँ दे रखा है निम्नलिखित आंकड़ों के लिए, मतलब कुछ डेटा दिया है नीचे इसके लिए, सीमांत अवस्था विधि, इंग्लिश में कहते हैं इसे लिमिट स्टेट मेथड द्वारा एकल प्रबलित, यहाँ एकल आएगा, एकल प्रबलित कंक्रीट धरन, मतलब सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का डिज़ाइन करना है। प्रभावी पार्ट दे रखा है, इफेक्टिव स्पैन दिया है 6 मीटर, अध्यारोपित भार मतलब इम्पोज्ड लोड दे रखा है 30 किलो न्यूटन पर मीटर, और कंक्रीट की श्रेणी, श्रेणी मतलब होता है ग्रेड, तो कंक्रीट की ग्रेड दी है M20 और स्टील की ग्रेड दे रखी है Fe 415, ठीक है। अब क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि जो डिज़ाइन वाला सेक्शन है उसके लिए आपको प्रबलन इस्पात यानी रेनफोर्स्ड स्टील की स्थिति चित्र देकर स्पष्ट करें, मतलब आपको डायग्राम भी इसमें शो करना है, ठीक है। अब देखिए आपको करना कैसे क्वेश्चन, सबसे पहले आप इसका जो जो डेटा दिया है उसको गिवन डेटा करके लिख लेना। मैं इधर आपको क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो मैं गिवन डेटा इस साइड लिख देता हूं, आप ध्यान से समझना। यहां लिख रहे हैं हम गिवन डेटा, यानी कि क्या क्या दिया गया है, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या दिया है इसमें, प्रभावी पार्ट दे रखा है, मैं यहाँ इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, इफेक्टिव स्पैन, इफेक्टिव स्पैन दे रखा है कितना, इसको स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, स्मॉल एल की वैल्यू दे रखी है दोस्तों इसमें 6 मीटर, इतना समझ आ रहा है। आगे क्या दिया है, अध्यारोपित भार, इसे कहते हैं इंग्लिश में इम्पोज्ड लोड, इम्पोज्ड लोड, इम्पोज्ड लोड को W1 से डिनोट करेंगे, ये दे रखा है 30 किलो न्यूटन पर मीटर। इसके बाद क्या दिया, ग्रेड दे रखा है, कंक्रीट का ग्रेड है M20 एंड स्टील का ग्रेड है Fe 415, इतना समझ आया, बाकी और कुछ नहीं दे रखा। तो ये गिवन डेटा लिख लिया, तीन चीज़ दे रखी है सिर्फ। अब देखिए क्वेश्चन को रफ करता हूँ मैं, अब हम इसका डिज़ाइन करेंगे, स्टेप वाइज करना है, टोटल 5 स्टेप में डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा और 6ठे स्टेप में हम इसका चेक लगाएंगे, ठीक है, चेक करेंगे डिज़ाइन सही है या नहीं। तो बात करते हैं सबसे पहले स्टेप की, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टेप वन में क्या करेंगे, देखिए मैं स्टेप आपको ऑलरेडी लिखवा चुका था लास्ट वीडियो में, फिर भी आप यहाँ दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है दोस्तों, अगर हम किसी भी सेक्शन का डिज़ाइन करेंगे तो पहले उसका साइज मानते हैं, कुछ साइज एज्यूम करते हैं, फिर उस साइज के लिए जो लोड दिया है उस लोड के लिए उस साइज को चेक करेंगे कि क्या ये हमारा साइज इस लोड को सहन कर सकता है या नहीं। पहले साइज निकालना है, दूसरे स्टेप में लोड निकालना है, तीसरे स्टेप में लोड से ही जो बेंडिंग मूवमेंट आएगा वो निकालना है, और चौथे स्टेप में मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। दोनों को बराबर रख के मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और बेंडिंग मूवमेंट को डेप्थ निकालनी है, और डेप्थ को हम चेक कर लेंगे, जो हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे वो आपकी डेप्थ इससे कम आ रही है या नहीं, ठीक है। आप पहले लिखित में देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। बात करते हैं पहले साइज की, तो सबसे पहला स्टेप रहेगा साइज ऑफ बीम, इनके नाम जरूर याद रखेंगे, स्टेप के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइज ऑफ बीम हिंदी में कह सकते हैं बीम का परिमाप। तो इसमें क्या क्या निकालते हैं, पहले निकालते हैं इसमें चौड़ाई यानी विड्थ निकालेंगे, विड्थ, विड्थ ऑफ बीम हिंदी में कहेंगे इसे बीम की चौड़ाई, लिख लेना आप हिंदी, ठीक है। बी से डिनोट करते हैं इसको, इसकी वैल्यू क्या होती है, तो मैंने आपको पहले स्टेप में लिखवाया था एज्यूम करना होता है, क्या करना होता है एज्यूम, तो आप लिख लेना इधर एज्यूम कर रहे हैं इसे, एज्यूम मतलब होता है मानना, ठीक है, आप इसको मान रहे हैं खुद से, कितना मानते हैं इसे, तो जो आपको यहाँ पर इफेक्टिव स्पैन दिया होता है ना एल, इस एल को हम डिवाइड कर देते हैं 10 से लेके 20 तक, किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं आप 10 से 20 तक, समझ पा रहे हैं, तो 10 टू 20 कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मान ले रहा हूँ कितना L कितना दिया है आपको, L 6 मीटर दे रखा है, तो इसको 6000 कर देंगे mm में, ठीक है। अपॉन में मैं इसको 15 मान रहा हूँ, आप 15 ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं, 14 ले सकते हैं, 10 से 20 तक कुछ भी ले सकते हैं, इसीलिए डिज़ाइन के क्वेश्चन कभी गलत नहीं माने जाते किसी के, सबके आंसर अलग अलग आते हैं, केवल आपके डिज़ाइन के स्टेप सही होने चाहिए, इसीलिए स्टेप को अच्छे से रट के जाना है आपको एग्जाम में, ठीक है। तो बी निकाल दो, इसको डिवाइड करेंगे 15 से 15 चौका 60, 400 आ गया, 400 mm आ गया दोस्तों ये। इसके बाद निकालेंगे इसकी इफेक्टिव डेप्थ, सेकंड पॉइंट रहता है इफेक्टिव डेप्थ,
ठीक है, प्रभावी गहराई कहते हैं इसको, स्मॉल डी से डिनोट करेंगे। स्मॉल डी की वैल्यू क्या होती है, तो ये बी के अकॉर्डिंग निकालते हैं, ठीक है, ये भी एज्यूम करते हैं हम, तो इसको डेढ़ गुना ले लो बी का या फिर दो गुना, मैंने लिखवाया भी था कितना 1.5 भी ले सकते हैं या फिर 2 भी ले सकते हैं, तो मैं इसमें 1.5 भी लेके कर रहा हूँ, ठीक है, कितना 1.5 इनटू बी, बी कितना आया था 400, अब 400 का डेढ़ गुना कितना होता है दोस्तों, तो ये होता है 600 mm, 600 आ गया। अब निकालना है टोटल डेप्थ कैपिटल डी, क्या निकालना है टोटल डेप्थ, ठीक है, यहाँ से निकालेंगे हम टोटल टोटल डेप्थ, टोटल डेप्थ को कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों, तो जो आपका ये स्मॉल डी आया था इसमें इफेक्टिव कवर जोड़ देते हैं, मैंने आपको पढ़ा रखा है बहुत अच्छे से, इफेक्टिव कवर को कहते हैं प्रभावी आवरण हिंदी में, इफेक्टिव कवर जोड़ दो इसमें, तो डी तो हमें पता है कितना आया था, डी अभी निकल के 600 आया है तो 600 रख दो, इफेक्टिव कवर पता नहीं है तो इसको एज्यूम कर लेते हैं, हम इसको एज्यूम कर ले रहे हैं किसको, इफेक्टिव कवर को, मैंने ई सी लिख दिया शॉर्ट में, मैं 30 mm इसको एज्यूम कर रहा हूँ, आप 30 एज्यूम कर सकते हैं, आप इसमें 25 एज्यूम कर सकते हैं, 35 ले सकते हैं, ठीक है, खुद से एज्यूम करना, आप 30 ही एज्यूम करना, जब मैंने एज्यूम किया तो आप 30 लेना, ठीक है, कितना हो गया दोस्तों ये, यहाँ से कैपिटल डी आ गया आपका 630 mm, इतना समझ आ रहा है। अब बात करें इसका इफेक्टिव स्पेन कितना होगा, इफेक्टिव स्पेन, तो इफेक्टिव स्पेन स्मॉल एल को बोलते हैं, ये क्वेश्चन में दे रखा था 6 मीटर, ये दिया था क्वेश्चन में 6 मीटर, इतना समझ आया आपको, तो ये हो गया स्टेप वन कंप्लीट। क्या क्या निकालते हैं, बी निकालेंगे, फिर स्मॉल डी निकालेंगे, फिर डी निकालेंगे और फिर एल, एल क्वेश्चन में दिया होता है, तो ये पहले स्टेप में चार चीज़ निकालनी है। आई होप सो आपको क्लियर हो गई होंगी बहुत अच्छे से, इसको नोट कर लीजिए, मैं रफ करके फिर सेकेंड स्टेप सॉल्व करता हूँ। तो इसमें हमने जो जो वैल्यू निकाली है इधर लिख लेते हैं, क्या क्या निकाला, बी निकाला है 400 mm आया था, इसके बाद क्या निकाला है, स्मॉल डी निकाला है 600 mm आया है, स्मॉल डी 600 mm, कैपिटल डी निकाला 630 mm आया, ठीक है, स्मॉल एल क्वेश्चन में दिया ही था, रफ कर दें इसे। अब देखिए आगे बात करते हैं हम सेकंड स्टेप की, स्टेप वन को रफ कर रहा हूँ मैं, अब देखेंगे ध्यान से, पहला साइज निकाल लिया, अब लोड निकालेंगे, लोड सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, कैलकुलेशन फॉर लोड, ठीक है, डिज़ाइन का क्वेश्चन है थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए समझते चलिए अच्छे से, कैलकुलेशन कैलकुलेशन फॉर लोड यानी लोड के लिए गणना, लोड के लिए गणना कैसे करेंगे आप, तो पहले लेते हैं इसमें इम्पोज्ड लोड, इसमें दो ही तरह के लोड काम करेंगे सिर्फ, एक तो हो जाएगा इम्पोज्ड लोड, जो बीम के ऊपर लोड लगा हुआ है वो, ठीक है, इम्पोज्ड लोड को W1 से डिनोट करेंगे, ये मैंने बताया भी था आपको, ये क्वेश्चन में गिवन होता है, ये दे रखा होता है, ये दिया है कितना, ये रहा 30 दे रखा, 30 kN/m, kN/m, इसको न्यूटन में चेंज कर देंगे, तो 1000 से गुणा करेंगे मतलब 3 0 लगा देंगे इसके पीछे, इतना आ गया न्यूटन पर मीटर, W1 समझ आ रहा है दोस्तों। दूसरा निकालते हैं W2, इसे बोलते हैं सेल्फ लोड, सेल्फ लोड ऑफ बीम यानी बीम का स्वयं का भार, W2 स्वयं के भार के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, किसी भी सेक्शन का स्वयं का भार निकालना हो तो आपको पता है वेट डेंसिटी बराबर होती है वेट अपॉन वॉल्यूम, पढ़ा है ना, घनत्व तो बराबर आपका द्रव्यमान बट्टे आयतन, लेकिन यहाँ पर वेट ले रहे हैं तो वेट अपॉन आयतन हो जाएगा, ठीक है, भार अपॉन आयतन। अब क्या करेंगे आप, आपको ये स्मॉल डब्ल्यू निकालना, बी को इस साइड ले जाएंगे, स्मॉल डब्ल्यू क्या हो जाएगा आपका, रो इनटू बी हो जाएगा, रो कहते हैं डेंसिटी को, तो ये बीम किसकी बनी होती है, आरसीसी की, और आरसीसी की डेंसिटी कितना लेते हैं दोस्तों, ये लेते हैं 25,000 N/m³, समझ पा रहे हैं, ये लेते हैं किसकी, रो की वैल्यू, इनटू में आयतन आप सबको पता क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई इनटू गहराई, यही तो होता है लंबाई इनटू चौड़ाई इनटू गहराई, तो लंबाई तो हम यहाँ पर निकालेंगे पर मीटर लेंथ के लिए, किसके लिए, पर मीटर लेंथ के लिए, इसलिए वन हो जाएगा, बी और डी आप फर्स्ट स्टेप से पुट कर देंगे तो ओवरऑल फार्मूला ये बन जाता है आपका, ठीक है, तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ यहाँ पर सेल्फ लोड के लिए फार्मूला, ये याद रखना है सबको, ऐसे निकल के आया है फार्मूला, क्या रहेगा आप यहाँ लिख के दिखा देना, पर यूनिट लेंथ के लिए, पर मीटर लेंथ, पर मीटर लेंथ, पर मीटर लेंथ के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, इसको W2 से डिनोट करते हैं दोस्तों, क्या रहेगा ये वाला लिख देंगे, पहले वन लिखेंगे, फिर बी लिख दो, फिर कैपिटल डी लिख दो, और पीछे लिख दो 25,000। अब बात करते हैं इसकी यूनिट क्या आएगी, तो देखो ये तो हो गया एरिया यानी मीटर में, ये भी मीटर में लेना, ये मीटर में, ये भी मीटर में, तो मीटर स्क्वायर, इधर मीटर क्यूब था, तो ये कट जाएगा, केवल न्यूटन पर मीटर बचेगा, क्या आएगा, न्यूटन पर मीटर, समझ आ रहा है यूनिट, बहुत अच्छे से समझना, मैं काफ़ी इजी वे में समझा रहा हूँ आपको, ठीक है,
इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं है पढ़ने का। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, 1 × b की वैल्यू देखिए कितनी है, 400 थी mm में, मीटर में रखेंगे तो पॉइंट आगे लग जाएगा, 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे ना, 1000 से भाग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट। × d कितना था, 630, ये वाला लेना, ये वाला कैपिटल D, तो पॉइंट लगा देंगे 630 इंटू में 25000। इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो कितना आएगा, कैलकुलेट करके मैं आपके सामने करके दिखा देता हूँ इसे। तो ये आ रहा है आपका 0.400 इंटू में 0.630 इंटू 25000, तो ये आ गया दोस्तों 6300। कितना आ गया, 6300, ये न्यूटन पर मीटर में आया। W1 W2 आ गया, अब निकालेंगे टोटल लोड। टोटल लोड अच्छे से समझते चलना, इसको W बोलते हैं, इसमें क्या करेंगे W1 और W2 दोनों को जोड़ देते हैं, तो दोनों को ऐड कीजिए, इसको और इसको, इसमें कितना जोड़ दीजिए आप, 6300 में 30000 जोड़ दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 36300, इतने न्यूटन पर मीटर आ गया। समझ आ रहा है? अब लेकिन हमें क्या करना है, LSM मेथड से डिजाइन करना है। अब आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पर डिजाइन लोड। तो डिजाइन लोड कैसे निकालते हैं, आप इसको फैक्टर्ड लोड भी बोल सकते हैं, फैक्टर्ड लोड, ठीक है, इसको WD से डिनोट करते हैं, ये LSM मेथड के लिए। तो जो W आया है इसमें 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, केवल 1.5 से, तो 1.5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया ये, तो ये आ जाएगा 1.5 से मल्टीप्लाई करके 54450, ये आ जाएगा इतना न्यूटन पर मीटर। तो सेकंड स्टेप में सिर्फ इतना ही निकालना था आपको, क्या निकालना था, इम्पोज लोड आ गया पहले में, फिर आपने सेल्फ लोड निकाल लिया, फॉर्मूला लगा के ये दिया होता है ये निकालते हैं, दोनों को जोड़ के टोटल लोड आया। डिजाइन लोड के लिए क्या करेंगे, इसको यहाँ पर सफिक्स में डी लगाना है, स्मॉल डी, तो क्या करेंगे आप 1.5 कर देंगे, ठीक है। ये 1.5 क्या होता है, ये पार्शियली सेफ्टी फैक्टर होता है, मैंने आपको ये बेसिक वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ाया था। तो लोड समझ आ गया दोस्तों, अब बात करते हैं हम स्टेप नंबर 3 की। स्टेप 2 को मैं रफ कर देता हूँ, यहाँ पर जो वैल्यू हमने निकाली है उसको लिख लेते हैं। WD निकाला है हमने, WD कितना आया हमारा, 54450 न्यूटन पर मीटर, ठीक है, समझ आया इतना। अब देखिए स्टेप 3, इसको रफ कर रहा हूँ और स्टेप 3 को देखते हैं। अब देखिए स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 क्या होगा, तो हमने लोड निकाल लिया, अब लोड के बाद निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट। यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट, BM लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट में, ठीक है। अब आपको पता है बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अगर किसी भी बीम पर UDL लोड लगा हो तो बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, WL² / 8, ये सब ने पढ़ा होगा, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम है कोई, अगर उस पर UDL आ रहा तो WL² / 8 होता है। अब यहाँ W की जगह आपको WD यूज करना है, ठीक है, क्योंकि हम डिजाइन कर रहे हैं किसमें, LSM मेथड से, तो आपको WD यूज करना है, जो कि आप यहाँ निकाल चुके हो ऑलरेडी पहले ही। तो WD की इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ कितना रखेंगे हम, यहाँ रख देंगे 54450 इंटू L की वैल्यू कितनी थी, क्वेश्चन में दे रखी थी 6 मीटर, तो इसको मीटर में ही पुट करना, ठीक है, क्योंकि ये आपका न्यूटन पर मीटर में था और ये भी मीटर में रखेंगे, तो 6² कर देंगे अपॉन में 8, इसको कैलकुलेट कर लेंगे कितना आ रहा है ये, इसको कैलकुलेट करेंगे ये हो जाएगा 54450 इंटू 6² 36 हो गया और डिवाइड बाई 8, तो ये आ जाएगा कितना आ रहा है ये 245025, इतना आ गया न्यूटन इंटू मीटर में आएगा, ठीक है, न्यूटन मीटर में आएगा ये। अब ये तीसरा स्टेप केवल इतना ही था, इसके बाद निकालते हैं स्टेप फोर। स्टेप फोर में क्या बताया था, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक, इसको तो हिंदी में कहते हैं बेंडिंग मूवमेंट को कहते हैं नमन आघूर्ण, और मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कहते हैं हम, क्या कहते हैं इसको, प्रतिरोध आघूर्ण, ठीक है, इसको हम MU से डिनोट करते हैं, MU से। ये MU से क्यों डिनोट करेंगे इसे, क्योंकि ये है लिमिट स्टेट मेथड, इसको WSM में MR बोलते थे, यहाँ पर MU बोलेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ डिजाइन के केस में हम क्या लेते हैं, MU लिमिट लेते हैं दोस्तों, MU लिमिट या फिर MU मैक्स कह सकते हैं आप। अब MU लिमिट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो MU लिमिट के लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों, और ये फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, आपको ग्रेड दे रखी है कितनी, 415, तो Fe 415 के लिए मैं तीनों वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ, Fe 250 के लिए, Fe 415 के लिए और Fe 500 के लिए, मैंने वैल्यू लिखवाई थी 0.149 FCK इंटू में BD², अगली वैल्यू बताई थी 0.138 FCK BD², तीसरी बताई थी मैंने 0.133 FCK
इंटू बी डी स्क्वायर, ये तीनों वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये कितना आपका 415 है, 415 के लिए क्या क्या यूज करेंगे हम, 0.138 यानी 138 एफ सी के इंटू में बी डी स्क्वायर, समझ आ रहा है आपको इतना, ठीक है। तो यहाँ पर ये एफ सी के क्या होता है, तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो आपकी ग्रेड ऑफ कंक्रीट M15, तो इस M15 के लिए करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है ये, ठीक है। एफ सी के बी की वैल्यू स्टेप फर्स्ट में निकाले थे, यहाँ आपको डी की वैल्यू पुट नहीं करनी है, यहाँ से डी की वैल्यू निकालनी है और इसके साथ चेक करना है कि ये वाला डी आपका क्या इससे कम आ रहा है या नहीं, ठीक है। तब क्या करेंगे आप, यहाँ लिखेंगे फॉर बैलेंस सेक्शन, फॉर बैलेंस सेक्शन, बैलेंस सेक्शन कहते हैं दोस्तों संतुलित खंड के लिए, ठीक है। इस केस में क्या होता है, जो आपने एम यू लिमिट निकाला है ये आपका बेंडिंग मोमेंट के बराबर होता है, समझ पा रहे हैं, ये दोनों बराबर होते हैं बैलेंस सेक्शन के लिए। अब एम यू लिमिट का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ क्या था, 0.138 एफ सी के इंटू में बी डी स्क्वायर, और बराबर में बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी आई थी, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है 245025, समझ आ रहा है इतना। ये था आपका न्यूटन मीटर में, इसको एमएम में चेंज करने के लिए 10^3 से गुणा कर देंगे तो ये न्यूटन एमएम में हो गया, इतना क्लियर, क्योंकि बी और डी आपके पास एमएम में है इसीलिए ऐसा करेंगे, समझ आ रहा है। और एफ सी के की वैल्यू भी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में होती है, ठीक है। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं और डी निकालते हैं यहाँ से, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, इसे आप याद रखना। अब आगे देखिए, ऊपर वाला स्टेप रफ कर रहा हूँ, स्टेप 3, और यहाँ कैलकुलेशन करते हैं हम इसकी, तो यहाँ कर लो इसको कैलकुलेट। क्या करेंगे आप, डी को छोड़ के बाकी सबको इधर नीचे ले आओ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका डी स्क्वायर बराबर इधर कितना था 245025 इंटू 10^3, और अपॉन में ये आएगा 0.138 इंटू एफ सी के, एफ सी के जितना ये ग्रेड होता है वही होती है एफ सी के की वैल्यू, 20 है, 20 रख दो, ठीक है। इसके बाद बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, बी दे रखा था 400 हमने लिया था स्टेप 1 में, इंटू डी आपको और कुछ रह गया, और कुछ नहीं रहा, डी तो आपको निकालना ही था, ठीक है, केवल इतना इधर ले आए। अब यहाँ डी स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा इधर, इतना समझ आ रहा है दोस्तों। अब इसको कैलकुलेट कर लो, यहाँ से डी मिल जाएगा। देखिए कैलकुलेशन कैसे करनी है आपको, पहले लिखेंगे 245025 इंटू 10^3, यहाँ तक समझ आया, इसको डिवाइड कर दिया किससे, ब्रैकेट में लेना आप 0.138 इंटू में 20 इंटू में 400, इसको डिवाइड किया कुछ वैल्यू आ गई, इसको रूट लगा के आंसर क्लिक करके बराबर कर दो, 471.1 आ रहा है, कितना आ रहा है डी की वैल्यू 471.1, तो 471 एमएम लिख सकते हैं आप इसको, ये आ रहा है। अब देखिए ये जो हमने डी निकाला है, क्या ये हमने जो एज्यूम किया था स्टेप वन में, जो हमने एज्यूम किया था एज्यूमिंग इफेक्टिव डेप्थ से कम है या नहीं, तो ये कम है, ये कितना था, ये 600 था जो हमने एज्यूम किया था, 600 ही तो था ये, अब ये कम आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 471 आपका डी आया है, इस 471 डी का जो सेक्शन है आपका वो इस लोड को इजीली वियर कर लेगा, ठीक है। जब ये 471 गहराई इसको आसानी से सहन कर ले रही है, तो हमारा तो 600 था पूरा सेक्शन, तो 600 का सेक्शन तो और आसानी से वियर कर लेगा, इससे और ज़्यादा लोड भी वियर कर सकता है, मतलब हमारा सेक्शन ओके है। इसीलिए ध्यान रखना, जो हम डी निकालेंगे फॉर्मूले से, ये वैल्यू हर हाल में आपकी कम या बराबर आनी चाहिए किसके, हमने स्टेप वन में जो एज्यूम किया था इस डी के। तो यहाँ लिख देंगे हम क्या, बीम इज ओके। अब आपने बीम को चेक कर दिया, बीम आपकी ओके है, मतलब जो आपने सेक्शन लिया है बीम का, ये सेक्शन आपका ओके हो गया। कितना सेक्शन था, 400x630 का, ओवरऑल 630 था ना ये, तो 400x630 का सेक्शन आपका ओके है। अब क्या करेंगे, अब आपने बीम को क्या कर लिया, ओके कर लिया, अब इसमें रेनफोर्समेंट डालेंगे, यहाँ सरिया डालेंगे, अब सिंगली रेनफोर्स्ड बीम है ये, तो एक ही सेक्शन में डालेंगे यहाँ पर रेनफोर्समेंट। अब ये रेनफोर्समेंट कितना होगा, कितना डाला जाएगा, अब इसको कैलकुलेट करना है स्टेप 5 में, समझ आ रहा है। तो स्टेप 1 में क्या निकाला था आपने, बीम का साइज निकाला, स्टेप 2 में लोड निकाला, स्टेप 3 में बेंडिंग मोमेंट निकाला, स्टेप 4 में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल के डी निकाल दिया हमने, और चेक कर दिया डी हमारा कम आ रहा है, बीम सेक्शन ओके है। अब स्टेप 5 में क्या निकालेंगे, रेनफोर्स स्टील निकालेंगे, ठीक है। स्टील निकाल के बस स्टील को चेक कर लेना कि स्टील भी आपका ओके है या नहीं, उसके बाद आपको क्या करना, पूरे सेक्शन को चेक कर देना सीयर में या फिर डेवलपमेंट लेंथ में, डिजाइन आपका कंप्लीट हो जाएगा, समझ आ रहा है। तो चलते हैं स्टेप 5 की तरफ, ध्यान से समझना, ठीक है। स्टेप 5 तो देखिए, स्टेप नंबर 5 बहुत ध्यान से समझना आप, मैं लिख रहा हूं यहां पर स्टेप 5।
स्टेप फाइव में क्या निकालना है आपको, रेनफोर्स स्टील, रेनफोर्स्ड स्टील यानी प्रबलन इस्पात निकालना है। तो इसमें क्या निकालते हैं हम, जो हमारा सेक्शन था, ये जो सेक्शन था इसमें यहाँ पर हमें कितने एरिया में आपको रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है ये निकालना होता है। मतलब आप यहाँ पर क्या निकालेंगे, ए एस टी निकालेंगे। अब ए एस टी कैसे निकालेंगे, तो ए एस टी का जो फॉर्मूला होगा दोस्तों यहाँ पर वो हो जाएगा पी टी इंटू में बी इंटू डी, क्योंकि आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा होगा ना, पी टी लिमिट बराबर जो होता है वो होता है ए एस टी अपॉन बी इंटू डी। परसेंटेज के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंट में ना लें तो केवल क्या करते हैं, इतना ही लिख देते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है, बिना परसेंट के। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बी और डी को इस साइड लेंगे तो ए एस टी निकल जाएगा। तो मैंने वही लिखा डायरेक्ट आपके सामने, ए एस टी का फॉर्मूला, यहाँ तक समझ आया। अब करना क्या आपको, ये जो पी टी है आप इसको पी टी लिमिट लिख लेना, कितना लिख लेना, पी टी लिमिट। अब आपको बी और डी तो पता है, ये वाला बी और डी, आपको पी टी लिमिट चाहिए। तो पी टी लिमिट के लिए आपने एल एस एम मेथड में इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा, परसेंटेज ऑफ स्टील का क्या होता है, 0.414 एफ सी के इंटू में एक्स यू लिमिट, इंटू में एक्स यू लिमिट अपॉन में एफ वाई इंटू डी। फॉर्मूले हर एक स्टेप में आ रहा है, फॉर्मूले को बहुत अच्छे से याद कर लेना आप, ठीक है। अब वैल्यू पुट कीजिए सबकी, तो 0.414 इंटू एफ सी के ग्रेड से निकालते हैं, 20 ग्रेड था 20 रख देंगे। अब एक्स यू लिमिट की वैल्यू क्या होती है, तो एक्स यू लिमिट की वैल्यू तीनों ग्रेड के लिए अलग अलग होती है, 250 के लिए, 415 के लिए और एफ ई 500 के लिए। इसके लिए कितनी होती है, 0.53D लेते हैं, इसके लिए 0.48D लेते हैं, इसके लिए 0.46D लेते हैं, मैंने आपको पढ़ा रखा अच्छे से, ठीक है। तो इस तरह से एक्स यू लिमिट की वैल्यू और जो आपकी क्या थी एम यू लिमिट जो हमने चौथे स्टेप में निकाला था, वो ये दोनों वैल्यू आपको बहुत अच्छे से याद करनी है, ठीक है। यहाँ 138 और यहाँ 133, केवल इतना याद कर लेना, पीछे ये रहता है एफ सी के बी डी स्क्वायर, सब जगह यही रहेगा, ये आपको खुद से याद करना पड़ेगा। तो यहाँ ग्रेड क्या थी, 415, 415 के लिए कितना है, 0.48D आ रहा है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे कितना, 0.48D। अब यहाँ डी की वैल्यू मत रखना क्योंकि नीचे भी डी है, कट जाएगा डी से डी। एफ वाई क्या होता है, तो एफ वाई कितना है, 415, तो यहाँ 415 पुट कर देंगे एफ वाई की जगह पे, इंटू में डी यहाँ था तो डी से तो डी कट गया, बाकी सबको कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है ये। तो मैं आपके सामने कैलकुलेट करता हूँ, 0.414 इंटू 20 इंटू में 0.48, इसको डिवाइड कर देंगे कितने से, 415 से, तो ये आ गया आपका 0.9 × 10³ आ रहा है, मतलब ये हो जाएगा कितना, 0.0096 कर सकते हैं आप इसको, यह विदाउट परसेंटेज है, ठीक है। कितना आ जाएगा, 3 के बाद पॉइंट लगाना है, पॉइंट यहाँ लगा हुआ था आपको, मतलब जो आया है कैलकुलेटर में वो आ रहा था इतना, 9.57 × 10⁻³ आ रहा था, मतलब इस पॉइंट को 3 स्थान आगे सरकाना था आपको, तो 1, 1, 2 और 3 यही तो होगा, 5, 7 को 6 कर सकते हैं, तो ओवरऑल ये आ गया आपका, समझ आ रहा है। तो आप इससे बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ये क्या आ गया आपका, पी टी लिमिट आ गया, विदाउट परसेंट आएगा, इसलिए हमने यहाँ परसेंट नहीं ले रखा। अब इसको सबको यहाँ पुट कर दो और यहाँ से क्या निकाल दो, ए एस टी निकाल दो। तो ए एस टी निकाल लीजिए कितना आएगा, कितना रखेंगे इसकी जगह, 0.0096 रख दिया, बी डी की, बी की वैल्यू कितनी थी, 400 रख दिया, स्मॉल डी कितना, 600 रख दिया। इसको कैलकुलेट कर लो, एरिया आपको मिल जाएगा यहाँ से, तो 0.0096 इंटू में 400 इंटू में 600, 2304 आ रहा है दोस्तों, ये कितना, 2304 mm स्क्वायर, ये आ गया आपका एरिया। इतने एरिया में आपको यहाँ पर स्टील प्रोवाइड करनी है। अब क्या करना है आपको, अब इस एरिया को चेक करना है कि आपका ये जो एरिया है ये ओके है या नहीं। तो यहाँ चेक लगाएंगे एरिया के लिए, मैं नीचे इधर लगा देता हूँ आपके सामने, देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ लिख दीजिए चेक फॉर, चेक फॉर रेनफोर्स्ड स्टील, रेनफोर्स्ड स्टील। अब रेनफोर्स्ड स्टील के लिए चेक कैसे लगाते हैं, पहले निकालते हैं हम क्या, मिनिमम एरिया, ए मिनिमम लिख देना है, ठीक है, मिनिमम एरिया या फिर ए एस टी मिनिमम लिख देना, कुछ भी लिख देना है, लिख दो मिनिमम एरिया, ए एस टी मिनिमम। तो मिनिमम जो ए एस टी होता है वो कितना लेते हैं दोस्तों, मिनिमम ए एस टी, इसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, क्या होता है फॉर्मूला, 0.85 बी डी अपॉन एफ वाई, याद रहेगा, 0.85 बी डी अपॉन एफ वाई। वैल्यू पुट कीजिए, 0.85, बी की वैल्यू 400 है और डी की वैल्यू 600 है, डिवाइड कर दीजिए एफ वाई का मान कितना था, 415 से। तो यहाँ से देख लो आपका मिनिमम एरिया कितना आ रहा है, इसको कैलकुलेट करते हैं, 0.85 इंटू में 400 इंटू में 600 और डिवाइड करना है 415 से, तो ये आ रहा है 491.56, हम इसको 492 लिख सकते हैं, ठीक है। कितना आया दोस्तों, ये 492 आ गया mm स्क्वायर।
समझ आ रहा है, ये मिनिमम है तो इससे तो ज़्यादा होना चाहिए, तो ज़्यादा है वो क्या है इतना। अब क्या निकालते हैं इसके बाद, मैक्सिमम निकालते हैं एएसटी मैक्स, एएसटी एस जो एएसटी मैक्स होता है ये 4% लेते हैं टोटल क्रॉस सेक्शन का। 4% का मतलब क्या हो जाएगा 0.04 और b इंटू कैपिटल डी पुट करना है या टोटल क्रॉस सेक्शन ही जाकर लेते हैं 4%। इसको कैलकुलेट कर लो कितना आएगा, 0.04 इंटू बी का मान था 400 और कैपिटल डी था 630। इसको यहाँ से सॉल्व करिए कितना आ रहा है, तो ये आ जाएगा 0.04 इंटू में 400 और इंटू में 630, तो ये आ रहा है 100080 इतना mm स्क्वायर। तो आप देख लीजिए आपका एरिया ओके है यानी यहाँ तक दिख रहा होगा, आई होप सो। ठीक है, तो अब ये जो एरिया है इन दोनों के बीच में आना चाहिए, कम से तो ज़्यादा होना चाहिए, मिनिमम इतना होता है मैक्सिमम इतना होता है, इन दोनों के बीच में आना चाहिए। इन दोनों के बीच में आ रहा मतलब एरिया आपका ओके है, कैसा है ओके है। तो रेनफोर्समेंट स्टील भी आपने प्रोवाइड कर दिया, ये भी आपका ओके हो गया। अब क्या करना है आपको, पूरे सेक्शन का चेक लगाना है, या तो आप शियर में चेक कर लो इसको या फिर आप डेवलपमेंट लेंथ में चेक कर सकते हैं, तो हम करेंगे शियर में चेक। ठीक है, अब शियर में चेक करना तो आपको ध्यान से समझना, लास्ट स्टेप है, छठा स्टेप, समझ आ रहा है। तो इसके बाद मैं आपको शियर में चेक करके दिखाता हूँ, किसी में भी चेक कर सकते हैं आप। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर स्टेप फाइव में आपका एक पॉइंट छूट गया था, मैं पहले उसे बता दूंगा आपको फिर आगे देखेंगे हम। यहाँ पर नंबर ऑफ बार्स रह गया था, नंबर ऑफ बार्स यानी नंबर ऑफ बार्स आपको कैसे निकालनी है ये देखना, ध्यान से समझना फॉर्मूला क्या होगा इसका। तो जो आपने AST निकाला था उसको डिवाइड कर देना है आपको सिंगल बार के एरिया से, आप इसको स्मॉल a नॉट लिख सकते हैं। ठीक है, तो AST आपका कितना आया था, AST आया था आपका 2304, अभी आपने देखा 2304 आया था। और a नॉट क्या होगा आपका, तो a नॉट होता है आपका यहाँ पर एरिया ऑफ सिंगल बार का एरिया होता है ये। ठीक है, अब सिंगल बार का एरिया कैसे निकालेंगे आप, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे पाई बाई 4 इंटू में फाई का स्क्वायर। अब फाई आपको यहाँ पर एज्यूम करना होता है खुद से, तो आप सपोज मान लो जो आप बार यूज कर रहे हैं, छड़ी यूज कर रहे हैं, उसके लिए फाई आपने सपोज यहाँ लिख लेना, आप एज्यूम वी कैन यूज सपोज 20 mm फाई का यूज कर रहे हैं आप, 20 mm फाई मेन बार, जो मेन बार आप यूज कर रहे हैं 20 mm की यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर 20 पुट कर देना पाई बाई 4 20 का स्क्वायर, तो यहाँ से ये 314 आ जाएगा। एक अकेली बार का एरिया कितना आ गया 314। अब यहाँ आपको नीचे 314 से इसको डिवाइड कर देना है और यहाँ से नंबर ऑफ बार निकाल लेनी है। ठीक है, तो ये कितना था 2304 डिवाइड बाई कितना आ गया 314, इसको डिवाइड किया आपने तो कितना आ रहा 7.3 आ रहा है। इसका मतलब हम कितना यूज कर लेंगे, 8 बार्स हम यूज कर लेंगे, मतलब आठ छड़ आपको प्रयोग करनी है, तो हम डायग्राम में 8 छड़ का यूज करेंगे। समझ आया इतना, अब देखिए आगे, अब देखिए लास्ट स्टेप आपका स्टेप सिक्स में क्या करना, चेक इन सीयर। आप सीयर यानी कर्तन में जांच कर लो इसकी, कर्तन में जांच करने के लिए मेन चार पॉइंट निकालने होते हैं आपको। सबसे पहला पॉइंट में टाओ भी निकालते हैं, सबसे पहला पॉइंट इसका नाम होता है नॉमिनल सीयर स्ट्रेस, इसे टाओ भी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये मैंने सीयर वाले चैप्टर में आपको अच्छे से पढ़ाया था। फॉर्मूला क्या होता है इसका, वी यू अपॉन में बी इंटू डी। बी यू क्या है, यहाँ पर भी होता है आपका फैक्टर्ड सीयर फोर्स। अब सीयर फोर्स क्या होता है, तो सीयर फोर्स निकाल लो पहले आप, कर्तन बल जिसे कहते हैं, सीयर फोर्स। अब देखिए सीयर फोर्स की वैल्यू क्या होती है, सीयर फोर्स को केवल बी से डिनोट करते हैं। सीयर फोर्स अगर कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है और इस पर यूडीएल आ रहा है ऊपर से डब्ल्यू आ रहा है, तो इस केस में आपके सीयर फोर्स की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, ये लंबाई एल है तो आपको पता है डब्ल्यू इंटू एल टोटल लोड होगा, तो डब्ल्यू एल बाई टू इधर आएगा और डब्ल्यू एल वाई टू इधर आएगा, तो ये जो वैल्यू होती है किसकी वैल्यू होती है, सीयर फोर्स की वैल्यू होती है। समझ पा रहे हैं इतना आप, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना था फैक्टर्ड बी यू निकालना है, तो बी यू को हम बोलते हैं फैक्टर्ड सीयर फोर्स या डिजाइन सीयर फोर्स बी यू। अब बी यू के केस में क्या करेंगे, या डब्ल्यू की जगह आपको डब्ल्यू डी यूज करना है, क्या यूज करना है डब्ल्यू डी, तो आप क्या कर देंगे फॉर्मूला, यहाँ हो जाएगा आपका डब्ल्यू डी एल वाई टू, डी मतलब इसके साथ सफिक्स में लगा हुआ है, कहीं आप अलग से वैल्यू पुट कर दें डी की, यहाँ है क्या हो जाएगा WD कितना था आपका, ये लिखा है WD की वैल्यू 5 4
450 इंटू एल की वैल्यू कितनी है, 6 मीटर था ये न्यूटन पर मीटर में, ये मीटर में, तो आप पुट कर सकते हैं 6 का 6 अपॉन 2। इसको कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है, ये तो ये 3 बार कट जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 5450 में मल्टीप्लाई बाई 3 कर दो बस, तो ये आ जाएगा आपका 163350। ये किसकी वैल्यू आ गई, बी यू की, ये न्यूटन में आएगा, न्यूटन में आएगा ये, ठीक है, इतना समझ आया, फोर्स था इसलिए न्यूटन में। अब यहाँ पुट कर दो, इन सबको वैल्यू को पुट करो, टाओ भी निकाल दो यहाँ से, तो टाओ भी कितना आ जाएगा, टाओ भी इक्वल टू हो जाएगा आपका 163350 अपॉन में बी की वैल्यू कितनी है 400 और इसमें ऑलरेडी कितना 600। इसको कैलकुलेट करते हैं, देखिए कितना आ रहा है, ये कैलकुलेट करेंगे डिवाइड बाई कितना 400 इंटू 600, इसको डिवाइड किया ये आ रहा 0.6868, इतना न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आ गया दोस्तों टाओ वी। इसके बाद क्या निकालते हैं, फिर पहला पॉइंट हो गया टाओ वी, अब निकालेंगे टाओ सी, ठीक है। अब मैं यहाँ से ये सब हटा रहा हूँ, जितना कुछ लिखा है ये सब मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ से। अब आगे देखिए आप, सेकंड पॉइंट निकालते हैं हम इसमें टाओ वी के बाद टाओ सी। टाओ सी को कहते हैं डिजाइन सीयर स्ट्रेंथ, डिजाइन सीयर स्ट्रेंथ। एक बार बस आप अच्छे से इनके नाम याद कर लेना, फिर आपको आसान लगेगा। थोड़ा क्वेश्चन लेंदी हो गया क्योंकि क्या करें, इसमें डिजाइन था, काफ़ी लेंदी रहता है, आधा घंटा मिलेगा आपको एग्जाम में करने के लिए। टाओ सी, टाओ सी की जो वैल्यू निकालते हैं दोस्तों हम, कैसे निकालते हैं, तो ये परसेंटेज ऑफ स्टील, जो आपने पीटी निकाला था ना, पीटी परसेंट पर एंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर डिपेंड करता है, इन दोनों पर डिपेंड करता है ये, ठीक है, इन दोनों पर, इन दोनों पर डिपेंड करने का मतलब क्या है, पीटी परसेंट कितना था आपका, तो पीटी जो था वो आया था 0.0096 निकाले थे पीछे, अभी जस्ट पीछे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये परसेंटेज में आ जाएगा, कितने परसेंट हो जाएगा 0.96%, ये पीटी परसेंट आ गया, ग्रेड M20 है। तो आपको ये टेबल से निकालना है, एक टेबल दी जाएगी, उस टेबल से निकालना होता है हमें इसकी वैल्यू। टेबल से कैसे निकालेंगे, तो एक तरफ तो यहाँ पर तो आपके पीटी परसेंट की वैल्यू होती है यहाँ पर इधर, ठीक है, यहाँ होती है पीटी परसेंट की 25, 50, 75, इस तरह से वैल्यू लिखी होंगी, ठीक है। इधर ग्रेड लिखी होती है M15, M20, M25, तो आपको M20 वाली लाइन में देखना किधर, जहाँ पर 95 या 96 लिखा हो उसके सामने यहाँ, ठीक है। अगर 96 ना होगा तो 95 या 90 होगा, या 100 होगा तो आप उस वैल्यू को भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू है, मैं देख लेता हूँ कितनी वैल्यू दे रखी है इसकी, ये वैल्यू है 0.60, यस 0.60 आ रहा है, ठीक है। टेबल से इसकी वैल्यू हम देखेंगे तो कितनी आ रही है, यहाँ से टाओ सी की जो वैल्यू है दोस्तों, टाओ सी की वो है 0.60 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। दूसरा पॉइंट आ गया, तीसरा पॉइंट निकालते हैं दोस्तों इसमें मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस। ये तीसरे चैप्टर में अपने आप में एक डिजाइन था, ठीक है, यहाँ पर आपका एक अकेला स्टेप बन गया है, समझ लो इतना लेंदी क्वेश्चन हो गया। इसको टाओ सी मैक्स बोलते हैं, टाओ सी मैक्स, मैंने आपको पढ़ाया था तीसरे चैप्टर में, बहुत अच्छे से पढ़ाया था, ठीक है। इसको कैसे निकालते हैं, तो ये आपको डायरेक्ट वैल्यू इसकी याद रखनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू डायरेक्ट याद रखेंगे आप। ग्रेड क्या है, M20, तो M देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, तीन वैल्यू होती हैं, M15 के लिए जो वैल्यू यूज करते हैं 2.5 लेते हैं, फिर 2.8, फिर 3.1, ये तीन वैल्यू याद कर लेना बस, M15 के लिए, M20 के लिए और M25 के लिए। तो आपका M20 था तो 2.8 रहेगी इसकी वैल्यू, ये आपको याद करनी होगी, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। आप 2.5 से स्टार्ट करना और 0.3 जोड़ते जाना, तो 25, 28, 31 होता है ना, तीन जोड़ेंगे तो पॉइंट में कितना हो जाएगा 2.5, 2.8 और 3.1, ठीक है। तो 2.8 आपका यहाँ गया टाओ सी मैक्स। अब इतना आने के बाद आपको चेक कर लेना है, इसको चेक क्या करेंगे कि जो आपने टाओ भी निकाला था, टाओ भी ये वाला, ये वैल्यू इन दोनों के बीच में आ रही है या कम आ रही है ज़्यादा। तो आप देखिए 0.68 है, तो 0.60 से ज़्यादा आई है और 2.8 से कम है, मतलब क्या हो गया कि टाओ सी से तो ज़्यादा आ गया क्या टाओ भी, और टाओ सी मैक्स से कम आ गया। तो इस केस में आपको क्या होता है, स्टीरअप प्रोवाइड करने होते हैं, छल्ले प्रोवाइड करने होते हैं, ठीक है, छल्लों को प्रोवाइड करेंगे आप। अब आपको क्या निकालना है, अब जो आप स्टीरअप प्रोवाइड करेंगे दोस्तों, उन स्टीरअप का स्पेस कितना होगा, स्पेस निकालना है। तो पहला पॉइंट अब शेयर में क्या निकालते हैं, टाओ भी, दूसरा टाओ सी, तीसरा टाओ सी मैक्स। कैसे निकालते हैं मैंने समझा दिया, समझ आया इतना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रोवाइड करना है स्टीरअप। तो मैं यहाँ पर जो जो वैल्यू आई है उसको लिख देता हूँ ये रफ करके, ठीक है, इसको रफ कर रहा हूँ और यहाँ से वैल्यू लिख रहा हूँ क्या क्या निकाला है आपने। सबसे पहले आपने बी यू निकाला था, बी यू कितना आया था आपका 163350, इतना आया था न्यूटन में। फिर आपने निकाला टाओ वी, टाओ वी कितना आया दोस्तों 0.68 आया। फिर निकाला टाओ सी, टाओ सी पॉइंट में
60 है, ये 68 था, ये 60। फिर टाओ सी मैक्स निकाला, टाओ सी मैक्स था 2.8। ये तीन वैल्यू और निकाली थी, इनको रफ कर दो सबको। अब देखो यहाँ से आगे हमें क्या निकालना है, बस अब लास्ट स्टेप है, एक लास्ट पॉइंट है, उसके बाद डायग्राम समझा के हम क्लास को ऑफ करेंगे, ठीक है। मैंने पूरा ही डिटेल में समझा दिया, बाकी आप इस चेक को छोड़ के भी आ सकते हैं एग्जाम में, इतना टाइम नहीं मिलता है, तो आप 5 स्टेप तक कराना उतना काफ़ी है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, आप क्या निकालेंगे, आप स्पेस फॉर स्टीरअप्स, स्टीरअप्स कहते हैं छल्लों को, ठीक है। अब जो आप छल्ले प्रोवाइड करेंगे इसके लिए स्पेस, तो स्पेस का फॉर्मूला एस बी, इस केस में जबकि आपका टाओ सी से तो ज़्यादा आया हो टाओ वी, और टाओ सी मैक्स से कम आया हो, इस केस में एस बी का जो फॉर्मूला होता है 0.87 एफ वाई इंटू डी इंटू ए एस बी अफोन में बी यू एस, ये होता है फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पर कौन कौन से टर्म क्या क्या है, ये ऑलरेडी आपका सीयर वाला काफ़ी लेंदी रहता है, क्योंकि ये अपने आप में एक डिजाइन का क्वेश्चन रहता है खुद में खुद, ठीक है। इसीलिए तो फॉर्मूला आपका ओके है, यस ओके है। अब देखो एफ वाई आपको पता है 415 है, डी पता है आपको, ए एस बी और बी यू एस नहीं पता। तो ए एस बी तो होता है एरिया ऑफ स्टीरअप, ए एस बी क्या होता है दोस्तों, ए एस बी होता है यहाँ पर एरिया ऑफ स्टीरअप्स, एरिया ऑफ स्टीरअप, ये आपको खुद से एज्यूम करना पड़ता है, ठीक है, इसको निकालने के लिए। तो हम यहाँ एज्यूम कर लेंगे, एज्यूम मतलब मान लेंगे, क्या हमने मान लिया, सपोज हम क्या 8 mm फाई का 2 lakhs स्टीरअप यूज कर रहे हैं, 8 mm फाई के 2 lakh स्टीरअप यूज कर रहे हैं, मतलब दो टांग वाले छल्ले यूज कर रहे हैं 8 mm फाई के। तो यहाँ से ए एस बी जो निकलेगा क्या निकलेगा, पाई बाई 4 8 का स्क्वायर इंटू में 2 lakh थी तो 2 से गुणा कर दो, इसकी वैल्यू निकालना आप, ये 50 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने 100 आ गया। आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं 100 mm स्क्वायर, ए एस बी की वैल्यू डायरेक्ट लिख देना आप एज्यूम करके 100 mm स्क्वायर, मैंने यहाँ निकाल के दिखाई है। इसके अलावा बी यू एस जो होता है दोस्तों, इसको कहते हैं नेट सीयर फोर्स, बी यू एस को क्या बोलते हैं, नेट सीयर फोर्स, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका, जो आपका यहाँ बी यू निकला था, बी यू ये वाला बी यू, ये बी यू, इसमें से माइनस कर देंगे आप टाओ सी बी डी, क्या कर देंगे टाओ सी बी डी माइनस करते हैं, इससे निकालते हैं इसकी वैल्यू, वैल्यू पुट कर दो सबकी, बी यू कितना था 16 3350 माइनस टाओ सी कितना आया था 0.60 इंटू बी का मान 400 था और डी का मान 600 था। इसको कैलकुलेट कर लो यहाँ से कितना आ रहा है, तो मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, काफ़ी लेंदी हो गया क्वेश्चन है, समझाने में थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग गया, बट प्लीज़ कोऑपरेट करना, क्वेश्चन अधूरा नहीं छोड़ना चाहता मैं, इसीलिए कंप्लीट करा दूँ इसे। तो ये आ रहा है आपका कितना, काफ़ी ज़्यादा आ रहा है 19350, इतने mm आ गया, बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, ये वी यू एस है ना, ये सॉरी किस में होगा, ये होगा आपका फोर्स है तो न्यूटन में होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, इन सब वैल्यू को यहाँ पुट कर दो और यहाँ से क्या निकाल दो आप, बी यू एस निकाल दो। मैं इसको रफ़ कर रहा हूँ सबको, यहाँ से रफ़ कर रहा हूँ और ये आपके सामने ये एस बी निकाल दे रहा हूँ, एस बी स्पेस एस बी कितना आएगा 0.87 एफ वाई की जगह 415 रखेंगे इंटू डी का मान 600 था इंटू में ए एस बी अभी निकाला आपने 100 लेंगे अपॉन में बी यू एस कितना आया है 19350। इनको आप कैलकुलेट कर लो, ये कितना आएगा 0.87 इंटू में 415 इंटू में 600 और इंटू में आ गया 100, इसको डिवाइड कर देंगे 19350 से, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ रहा है 111.95, इतने mm आ गया, ठीक है। एक तो स्पेस आप इससे निकालते हैं फॉर्मूले से, इसके अलावा दो वैल्यू और होती हैं इसकी, क्या क्या, सेकंड जो वैल्यू होती है स्पेस की वो होती है एस बी बराबर 0.75 डी रहती है। तो यहाँ पर 0.75 डी का मान 600 था, इसको पुट कर दो कितना आ जाएगा, ये इसको कैलकुलेट कर लो आप 0.75 × 600, तो ये 450 आ रहा है, 450 mm दूसरा निकल गया। और तीसरा जो होता है, तीसरा एस बी बराबर ये 300 mm होता है, इन तीनों में से जो कम आता है उसे लेते हैं हम स्पेस, समझ पा रहे हैं। तो आप इसको मैं नीचे वाले को रफ कर दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ, हटा दूँ इसे, यस। अब मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा अंतराल कितना लेना, तो आपको यहाँ पर डिजाइन का सीधे स्टेप लिखना है, क्या ये लिखेंगे आप ऐसे, वी कैन यूज कितना 8 mm फाई 2 lakhs वर्टिकल स्टीरअप, वर्टिकल
स्टीरप्स 8 mm फाई के 2 lakh वर्टीरप स्टीरप वर्टिकल स्टीरप यूज करने हैं आपको। एट द रेट लिख के आप लिख देना 300 mm सेंटर टू सेंटर, इतनी दूरी पर क्या करना है आपको स्टीरप यूज करने हैं। समझ आया? अब आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। अब देखिए डायग्राम कैसे बनाएंगे आप, इसको रफ कर दूं मैं, ठीक है, इसको रफ कर रहा हूँ, डायग्राम दिखाता हूँ आपको कैसे बनाना है। देखिए तो देखिए दोस्तों, मैंने इसका लास्ट स्टेप का डिज़ाइन का डायग्राम पहले से बना लिया है। इस डायग्राम को आपको अच्छे समझना। देखिए ये क्या है, ये दोनों तरफ दीवार है आपकी, ये सपोर्ट हो गई, ठीक है, ये आपकी बॉल है, इधर भी दीवार है एंड इधर भी दीवार है, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर क्या है, बीम रखी हुई है। हम हमेशा बीम को सेंटर तक रखते हैं, केवल कहाँ तक, सेंटर तक, ठीक है, यहाँ तक बीच में सेंटर तक रखेंगे इसको केवल। तो ये बीम हो गई आपकी, ठीक। इसके बाद इस बीम में हमने दो तरह की बार डाल रखे हैं। नीचे तो हम टेंशन जोन में हमेशा मेन बार डालते हैं, तो नीचे वाली तो क्या हो गई है, ये मेन बार हो गई 20 mm फाई की, जो कि 20 mm व्यास हमने माना था उसका मेन बार है, ठीक है। आज में 8 बार आएंगी, तो ये तो आपका फ्रंट व्यू है, आपका सामने वाला सेक्शन है, इसलिए हमने यहाँ पर नंबर ऑफ बार्स यहाँ नहीं दिखाएंगे, यहाँ दिखाते हैं, ठीक है। ये मेन बार हो गई। इसके बाद ऊपर से क्या करते हैं, हम ऊपर एंकर बार लटकाते हैं, यानी कि इसको लटकन छड़ बोलते हैं, जो ऊपर पड़ी हुई होती है। इसका काम क्या होता है, मेन बार के साथ जो ये वर्टिकल स्टीरअप पड़े होते हैं ना, इन वर्टिकल स्टीरअप को बांधे रखती है। ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करती, लेकिन क्या करती है, स्टीरअप को बांधने का काम करती है ऊपर से, ठीक है। ये हमने बीच में क्या लगा रखे हैं, वर्टिकल स्टीरअप लगा रखे हैं, यानी कि इसको उदग्र छल्ले कहते हैं। तो ये वर्टिकल स्टीरअप है, जो कि हमने 8 mm फाई के माने थे 2 lakhs वाले, और ये हम इसका स्पेस कितना आया था, 300 mm था सेंटर टू सेंटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक 300 mm है। ये समझ पा रहे हैं इतना? तो ये तो आपका ऊपर वाला डायग्राम हो गया, आई होप सो समझ में आ गया होगा। नीचे बात करते हैं इसके क्रॉस सेक्शन की। तो इस क्रॉस सेक्शन में हमने क्या किया, क्रॉस सेक्शन था, इसमें हमने नीचे मेन बार 8 डाल रखी है, 8 आई थी हमारी मेन बार निकल के, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार डाल दी। ये दोनों कोनों पे एक एक ऊपर एंकर बार लगा दी, और बीच में हमने यहाँ पर छल्ला लगा रखा है, यहाँ से ले गए इसको ऐसे ऐसे ले जा करके यूँ, और इसको फिर से यहाँ मोड़ दिया। समझ पा रहे हैं? तो इसको छल्ला बोलते हैं। ये दो टांग वाला है, एक टांग इधर होगी एक टांग इधर होगी, तो इसको हम 8 mm फाई का 2 lakh वर्टिकल स्टीरअप बोलेंगे। समझ पा रहे हैं? नीचे मेन बार हो गई, ये आपकी एंकर बार थी, ये इसका क्रॉस सेक्शन हो गया। तो डायग्राम भी आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा मैंने आपको सीयर वाले चैप्टर में इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया था, एक तरह से आपके लिए रिवीजन है ये। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ऑलरेडी काफ़ी वीडियो आपकी लेंथी हो चुकी है, तो इसके लिए अब इतना यहीं पर रोकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट डिज़ाइन करेंगे, या तो डबली रेनफोर्स्ड बीम का करेंगे, या फिर कैंटिलीवर बीम का करेंगे डिज़ाइन, ठीक है। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।